Hello guys, good morning. Welcome back my YouTube channel. My name is Manu. कैसे हैं सभी लोग? So guys, आज मैं आपको स्कूल स्पेशल डिश मतलब बताने को जा रहा हूँ. तो गाइज बने रहे वीडियो के अंत तक. तो गाइज मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो है आलू के पराठे मसालेदार, वो भी चटपटे. तो गाइज की पूरी रेसिपी मैं इस वीडियो में डिटेल जानकारी पूरी दूंगा. तो आप अच्छे से प्लीज़ कमेंट लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें. तो बने रहें वीडियो के अंत तक. तो हमने सबसे पहले आलू उबाले और आलू उबाल के उनके ठंडे होने के बाद उनके छिलके निकाल दिए. तो हमको ग्रेट करने में आसानी भी होगी और उसके छिलके हमारा कोई काम भी आने वाले नहीं. तो गाइस हमने एक बर्तन में उसको ग्रेट करके रख दिया है सारे आलू को. अब हम उसमें मसाले और वेजिटेबल्स से मिलाएंगे कुछ, जैसे कि आपको इस वीडियो में दिखा दिया जाएगा. तो गाइस हमने इसके लिए ऑनियन ग्रीन चिली और ग्रीन कोरिएंडर इसको हमने फाइनली ड्रॉप कर दिया है और हम उसको मिक्स करेंगे आलू के जो हमने ग्रेट कर रखा है मिक्सचर में. तो गाइस आज जो पराठे बनने वाले हैं ना वो पराठे अलग बनने वाले हैं. तो मैं आपको सारे मसाले के नाम दूंगा, डिटेल से मैं पूरी जानकारी दूंगा कि ये मसाला काउंटर और ये उनको रख दिया पानी में कि नीचे बैठ जाए और हम आसानी से उसको निचोड़ के एकदम से आलू के मिक्सर में डाल सकें. तो गाइस सबसे पहले ऑनियन डाला, उसके बाद हम ग्रीन चिली और उसके बाद डालेंगे हम कोरिएंडर, ग्रीन कोरिएंडर. तो गाइस देख रहे हो अच्छे से. उसके बाद हम डालेंगे सॉल्ट डालेंगे सॉल्ट गाइस. ये हमने डाल दिया रेड चिल्ली पाउडर 1 चम्मच आवश्यकता अनुसार गाइस, इससे ज़्यादा भी नहीं डालना चाहिए, ज़्यादा डालने से स्पाइसी हो जाएगा तो खाया नहीं जाएगा. उसके बाद डाल देंगे धनिया पाउडर कोरिएंडर पाउडर डालते हैं और इसके बाद हम डाले सॉल्ट और ये डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर और इसके बाद डालेंगे हम गाइस ये हमारा है किचन किंग जो कि टेस्ट को बढ़ाने के लिए. और इसके बाद हम डालेंगे जीरा पाउडर है गाइस. और हम इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे और हमने इन सारी चीज़ें आपस में मिक्स करके हमने आटे के गोले के अंदर ये गाइस भर दिया है. और भरने के बाद गाइस आप देख चुके होंगे हमने एक पराठा तवे के ऊपर बना के